हेलो व्यूवर्स, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं दीक्षा से संबंधित, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपने अपना सर्टिफिकेट कोर्स दीक्षा से छत्तीसगढ़ के टीचर्स यदि कर चुके हैं और उनका कंप्लीट भी दिखा रहा है और उनका सर्टिफिकेट भी आ चुका है, परंतु उस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम है। कहने का मतलब यह है कि जब हम उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके व्यू करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है, मतलब उसके जो साइन है, मोनो है, वो इधर उधर हो जाते हैं, या मोनो दिखता नहीं है या साइन दिखता नहीं है, मतलब वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होता है। तो उस स्थिति में आपको सही फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करने हैं, हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, आप अपने दीक्षा ऐप में आपको पता होगा कि कहाँ पर से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं और अपने वहाँ से करके देखे हैं, और यदि आपको वो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं दिखता है, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आपको नज़र आती हैं कि उसमें साइन नहीं दिख रहा है, या उसमें जो छत्तीसगढ़ का मोनो बना हुआ है वो नहीं दिख रहा है, या उसमें जो मैटर है वो इधर उधर हो गए हैं, तो इस स्थिति में आपको आपका सर्टिफिकेट आपको दीक्षा का जो वेबसाइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेने हैं और वहाँ से आपको सही फॉर्मेट में सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको सर्च बार पे ले जाते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे, उस पे हम चले जाते हैं क्रोम पे। गूगल क्रोम में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है दीक्षा। तो आप जैसे दीक्षा लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है diksha.gov.in। तो आपको इसमें क्लिक कर लेने हैं और देखिए, आप ये लॉगिन जो है इसका वेबसाइट में, आप लॉगिन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, पीसी से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल से इसको कैसे लॉगिन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सेम प्रोसेस आपका डेस्कटॉप में भी होगा, पीसी में भी होगा। तो आपको क्या करने है, ये जो जब आप अपने मोबाइल में आप इसको लॉगिन कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको डेस्कटॉप मोड पे ले आएँ। तो उसके लिए ये जो ऊपर में जो तीन बिंदी जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देखिए, डेस्कटॉप साइट। तो ये डेस्कटॉप साइट में जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर आपको टिक कर देने हैं। तो जैसे आप टिक करेंगे ये डेस्कटॉप मोड पर ये खुल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बीचों बीच दीक्षा लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे में रेड कलर के जो पट्टी है उस पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर दीक्षा। तो यहाँ पर आपको चले जाने हैं। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूछेगा कि आपको वो दीक्षा ऐप में खोलना है या क्रोम में खोलना है, मतलब कोई ब्राउज़र पूछेगा आपको। तो यहाँ पर आपको दीक्षा से नहीं खोलना है, आपको खोलना है अपने किसी ब्राउज़र से। तो मैं यहाँ पर क्रोम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्रोम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर साइड, ये जो आपका जो सामने में जो फ्रंट में खुलता है बुक वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्स्ट बुक वगैरह दिखा रही हैं। ये जो ऊपर में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोग देखिए, ये ऊपर साइड ये आपको एक मोनो दिख रहा है जो प्रोफाइल का है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, चूँकि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो यहाँ पर मुझे लॉगिन दिखाएगा। सबसे नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन में आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं। तो ये इंटरफेस खुलेगा जैसे आपका दीक्षा ऐप में खुलता था। यहाँ पर भी आपको चले जाना है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, ये जो आपको नीचे दिख रहा है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, यहाँ पर आपको जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको ये स्टेट पूछेगा, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ छत्तीसगढ़, तो सबमिट कर देता हूँ। देखिए अब ये जो लॉगिन का इंटरफेस खुला हुआ है, यहाँ पे आपको वही लॉगिन आईडी डालने हैं जो आपका दीक्षा का है। जनरली दीक्षा में हम अपना मोबाइल नंबर और या तो ईमेल, ये दोनों में से कोई एक हमारा आईडी होता है। तो मैं यहाँ पर अपना आईडी डाल लेता हूँ।
और ये नीचे यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं, और ये आपका जो कैप्चा कोड है वो आपको डाल लेने हैं। यदि कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश बटन है। तो मैं यहाँ पर अपना आईडी डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर ये आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है वो डालने हैं। कैप्चा कैश सेंसिटिव है, मतलब जो स्मॉल है उसको स्मॉल में ही डालना है और जो कैपिटल है उसको कैपिटल में। इसके बाद ये लॉगिन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लॉगिन में क्लिक करने हैं। ये फिर से पूछेगा तो हम क्रोम ही चुन लेते हैं। देखिए ये अब ये लॉगिन हो चुका है, और जहाँ पे लॉगिन का मोनो था वहाँ पे एक लेटर आ गया है मेरे नाम का, फर्स्ट लेटर, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर खुल जाएगा ये प्रोफाइल। देखिए ये प्रोफाइल में हम चले जाएंगे। जैसे हम प्रोफाइल में क्लिक करते हैं ये इंटरफेस जो होता है आपके दीक्षा ऐप के इंटरफेस की तरह ही खुलता है। यहाँ पर आपके जितने भी कोर्सेस हैं उसकी लिस्ट दिखा रही है, कंप्लीटेड दिखा रहा है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो लर्नर पासबुक लिखा हुआ है यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड के लिए पूछेगा। ये देखिए ये डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा ये सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो चुका होगा। मैं आपको ले चलता हूँ अपने फाइल पे जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ होगा। डाउनलोड्स के अंदर ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से ये मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मुझे नज़र आ रही हैं, बारकोड, साइन, मोनो। यदि किसी में ऐसी समस्या हो कि आपके दीक्षा ऐप में जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं वो सही नहीं है, प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर से सारी चीज़ें जो आप दीक्षा ऐप में करते हैं वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर भी होती हैं। तो ये एक तरह से आप प्रोफाइल कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं अपना, ये आप इससे भी इस स्टेप को फॉलो करके आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू।